नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि लगातार हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। उनकी जो बात है वो आप तक और पूरे समाज तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सदगुरु डॉक्टर चारू दत्त पिंगले साहब, जो कि काका काका जी के नाम से जाने जाते हैं। आप राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं हिंदू जन जागृति समिति के, और हमारे साथ में हैं चेतन राजहंस जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सनातन संस्थान के। आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सदगुरु डॉक्टर चारू दत्त जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है एक विरासत है, और इस विरासत को हम किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि आज हम पाश्चात्य की ओर ज्यादा हमारा ध्यान है, लेकिन कोविड-19 के बाद हम वापस हमारी परंपरा की ओर आ रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? गत अनेक वर्षों से अपनी सनातन परंपरा और संस्कृति को स्थापित करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे थे, जी और काफी संतों ने भी बता के रखा था कि 2019 से लेकर 23 तक एक भीषण काल आएगा। और ये जो कोविड-19 की एक आपदा आई है, और सबसे जी पहले जो विश्व में परिवर्तन शुरू हुआ कि लोगों ने शेक हैंड करना बंद कर दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने भी यही की शुरुआत किया। तो मुझे लगता है कि ये सनातन संस्कृति की तरफ विश्व की घर वापसी हो रही है, ऐसे मुझे लगता है। इसके जी साथ एक सामाजिक अंतर रखने की आवश्यकता, बाहर से आने के बाद हाथ पांव धोना, कौन से बातों से स्पर्श करना, स्पर्श करना, यानी ये जो एक सामान्य बातें स्वच्छता और आरोग्य की दृष्टि से देखनी चाहिए, इसकी जी भी ये हो रही है। और सबसे महत्व की जो बात है कि हमारे सनातन संस्कृति ने ग्राम संस्कृति का पुरस्कार किया है, और पंचक्रोशी में जो हमारी व्यवस्था है वो स्वावलंबी हो, जी मतलब जिसको हमारा बलुतेदार या बिरादरी पद्धति कहा जाता है, कि जो इंटरडिपेंडेंट होती थी और एक दूसरे के सहायता से एक समाज व्यवस्था निर्माण किया था। जी तो अभी लॉकडाउन ने हमें यही बताया कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे जाए, आप चांद पर कदम रखते हो या मंगल पर आपका उपग्रह भेजते हो, मगर ये जी जो आचार विचार है, धर्म की आचरण है, या ये जो हमारी पारंपरिक जो बातें हैं, उससे आप दूर नहीं जा सकते हैं। और जी हमारे धर्म ने एक बात बताई कि सुखस्य मूला धर्मा, यानी विज्ञान ने हमें बाहर बहुत साधन दिए, एसी दिया, हमें टीवी दिया, फिर फ्लाइट है, रेलवे है, बहुत साधन सुविधा निर्माण किया, और जी आपदा आने के बाद सब ठप हो चुका है। अभी शायद बिजली ना हो या गैस की आपूर्ति ना हो, तो वापस जो पारंपरिक जो हमारे स्रोत है और हमने हमको जो जी धर्म ने बताया है, वापस उसी की तरफ मुड़ने की आवश्यकता समाज में निर्माण हो रही है। अभी एकत्रित बिल्कुल परिवार यानी एकत्रित रहने का जो विचार है वो अभी बढ़ रहा है, और आज विश्व को एकत्रित रहने की आदत न होने के कारण अन्य देशों में सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केस के पिटीशन फाइल हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। अब चार लोग अगर एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं तो कितनी विचित्र बात है मनुष्य के लिए। और हमारी सनातन परंपरा ने तो कितना बड़ा एकत्रित परिवार की संकल्पना रखी थी। आज हम एक दूसरे के दुख में एक दूसरे को मदद कर पा रहे हैं, और विश्व में वहां निराशा, तनाव, आत्महत्या, जर्मनी की कोई मिनिस्टर आत्महत्या कर रहा है तो कहीं इससे सफर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति विश्व में हुई है। तो हमारे धर्म ने जो अपनी संस्कृति और परंपरा का आचार विचार बताया है, तो विश्व धीरे धीरे इसके तरफ मुड़ रहा है। और अभी भारत के धर्माचार्य, संत, आचार्य, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विश्व को एक आदर्श परिवार व्यवस्था, एक आदर्श दिनचर्या, एक आदर्श आचरण, धर्माचरण, इसके बारे में दिशा दर्शन दे, और भारत एक विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसका लाभ लेना चाहिए, मुझे लगता है। निश्चित तौर से
काका जी, हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति को लेकर नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जो एक मात्र ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य यानी कि प्राणियों के लिए बनी है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष धर्म के लिए नहीं है, वो समस्त जीवों के लिए है, समस्त प्राणियों के लिए है। और चेतन जी, मैं यहाँ पर आपसे, क्योंकि आप युवा हैं, आप लगातार युवाओं के संपर्क में भी रहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा है कि चतुर वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, यानी कि गुण और कर्मों के आधार पर जो है अलग अलग वर्ण होते हैं। तो हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसी परिस्थिति में अभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा जो है वो पाश्चात्य संगीत की ओर गए थे, लेकिन अब हमको वापस हमारी परंपरा में आना पड़ेगा। जी चेतन जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे मित्रों से मैंने बात की पिछले लगभग एक महीने से लॉकडाउन में है, तो मैंने ये देखा कि युवाओं से संवाद साधते समय एक महत्वपूर्ण चीज वो है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि हमारा जीवन पद्धति क्या है, जो पारंपरिक जीवन पद्धति है। वे लोग पूछ रहे हैं कि हम अपने मन में जो भय उत्पन्न हुआ है उस भय का निराकरण कैसे करें। जैसे मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मन में आगे के करियर के विषय में और भविष्य के विषय में एक बहुत बड़ी चिंता है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे धर्म में मन का अध्ययन की एक व्यवस्था है कि बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो, युद्ध हो या संकट काल हो या परिजन की मृत्यु हो, तो ऐसे समय मन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, वो बाह्य कारणों के कारण नहीं, तो मन उस परिस्थिति को नहीं स्वीकारता है, इसके कारण होती है। तो मन में जो दोष है परिस्थिति न स्वीकारने का, इसके कारण ये जो संकट की घड़ी है वो और जटिल लगने लगती है। और इसीलिए जो है मन का अध्ययन की परंपरा हमारे धर्म शास्त्र में बताई गई है। तो मैंने बताया कि हमारे एक छोटा सा मन मानस शास्त्र के अनुसार भी जो डॉक्टर्स बताते हैं, ऑटो सजेशन, बुद्धि के द्वारा मन को समझाना, ये प्रक्रिया बताई गई है जिसे हम हिंदी में, सरल हिंदी में स्वसूचना कहेंगे। तो ऑटो सजेशन की प्रक्रिया जो है जिससे ये होता है कि व्यक्ति को, व्यक्ति अपने बुद्धि से ही मन को समझा सकता है कि भाई ये परिस्थिति तात्कालिक है और इस परिस्थिति में हमें कुछ भी, यदि संकट की घड़ी लगती है तो भी मुझे स्थिर रहना है और भगवत 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 शक्ति जो है, ईश्वर की शक्ति है, उसको शरण जाके मुझे स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करनी है। तो भक्ति योग में और मानस शास्त्र में ये दोनों स्थानों पे मन का अध्ययन बताया गया है और मन के द्वारा हम परिस्थिति को स्वीकार सकते हैं, ये प्रक्रिया बताई गई है। मैंने बताया कि भविष्य की चिंता पूरे विश्व को है, आज केवल एक व्यक्ति को नहीं है। आज हर युवक ये सोच रहा है कि अगले 2 सालों में मेरा क्या होगा करियर का, मेरा जीवन कैसा यापन होगा। वास्तव में पूरा विश्व जब संकट में होता है तब हमें संकीर्ण विचार करके उपयोग नहीं होता है, हमें विश्वव्यापी विचार ही करना पड़ता है और उसकी सीख हमारे धर्म में होती है। वसुदेव कुटुंबकम, ये जो विचार है ये उसी में आया है। तो हमने बताया कि संकीर्ण विचार इस श्रृंखला में, इस प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचने की आज आवश्यकता है। उसी के साथ साथ मैंने युवाओं से बात करते समय, उन्होंने ये भी, बहुत सारे युवकों ने ये पूछा कि हमारे धर्म में क्या जो ये संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके विषय में कुछ कारण बताए गए हैं। तो मुझे ये बताना आवश्यक है कि हमारे धर्म में एक कौशिक पद्धति नाम का ग्रंथ है, तो मैंने उनको बताया कि उस ग्रंथ में स्पष्ट रूप में कहा है कि इस प्रकार के संकट क्यों आते हैं। तो जब राजा या प्रजा दोनों भी धर्म का आचरण नहीं करते हैं उस समय इस प्रकार के संकट पूरे विश्व में आते हैं। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलना यही उसका जो है उपाय होता है। निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, आपको, हमको, सभी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि इस तरह की जो विपत्ति है, इस तरह की जो परेशानियां हैं वो हमारे सामने नहीं आए। मैं यहाँ पर काका जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और अभी वर्तमान में जो लगातार हम देख रहे हैं कि लोग घरों के अंदर लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो मानसिक रूप से भी वो काफी परेशान है। घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो भी हमारे सामने काफी आ रहे हैं और घर में बैठकर लोग परेशान भी हो रहे हैं। कुछ लोग जो क्रिएटिव हैं वो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी भी लेकर आ रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, घर की महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को जो इस समय
COVID-19 के कारण घर में लॉकडाउन है, कि वो घर में बैठे अपनी दिनचर्या को किस तरह से तैयार करें, किस तरह से वो आगे के लिए उसको मानसिक रूप से तैयार रहें। जी जी काका जी, लगता है आपकी आवाज जो है वो हम तक सही तरीके से आ नहीं रही है, तो मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं पहले चेतन जी आपसे जानना चाहूंगा
कि लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं, एक तरफ हम हमारी परंपराओं की बात कर रहे हैं, हम हमारी संस्कृति की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे संत महात्मा हैं, जो साधु संन्यासी हैं, उनके हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो इन सबको, ये एक राज्य की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में लगातार हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि कई साधु संन्यासियों की एक भीड़ तंत्र ने हत्या कर दी है, और उसके बाद सारे जो लोग हैं वो अपने आप में मौन है। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? ये भीषण काल का लक्षण है, क्योंकि संत यहाँ, संत समाज हमारे यहाँ पूज्य समाज माना गया है। पूरी भारत भूमि जो है एक आध्यात्मिक भूमि या संतों की भूमि के रूप में मानी गई है जी। और जब जब संतों पे ही हमले होने लगते हैं, तब धर्मग्लानी का परमोच्च क्षण आया है, ये हमें समझने की आवश्यकता होती है। रामायण में हम जाएंगे तो विश्वामित्र ऋषि जो आते हैं, वशिष्ठ ऋषि जो आते हैं, और वो कहते हैं राजा को कि आपके दो पुत्र मुझे दीजिए, क्योंकि वहां सुबाहु और मारीच ये दो राक्षस ऋषि मुनियों की हत्या कर रहे हैं। तो वही काल है, और जब ऐसा काल आता है तो जो है महापुरुषों के द्वारा जो है ऐसे काल के लिए उनका माने एक प्रकार की सक्रियता ही सुराज्य में या राम राज्य में रूपांतर करती है। तो आज हमारे यहाँ इस प्रकार की जो है धर्मग्लानी आई हुई है, और हमें भी राम राज्य के दृष्टिकोण से या सुराज्य के दृष्टिकोण से इस विषय में सोचना होगा। सबसे गंभीर बात तो ये है कि मॉब लिंचिंग की जो बातें करने वाले इतने साल लोग थे, जो इंटॉलरेंस की बात करते थे, वे लोग आज चुप बैठे हुए हैं। उसमें कम्युनिस्ट शक्तियां है, उसमें जो है सेकुलरवादी शक्तियां है, उसमें जो है इस्लामी शक्तियां है, इसमें ईसाई शक्तियां है। ये सारी शक्तियां एक तरफ से हिंदू धर्म पर टूट पड़ती थी कि हिंदू समाज जो है भीड़ तंत्र के द्वारा किसी अल्पसंख्यक समुदाय को पीड़ित कर रहा है, लेकिन आज जब साधु संत जो हिंदू समाज के श्रद्धा स्थान में है उनकी ही हत्या की जा रही है, वो भी मॉब लिंचिंग के द्वारा, उस समय ये समाज मौन है। और यही हमारे लिए सोचने की घड़ी है, जिन लोगों ने हम पर अन्याय किया है, जिन लोगों ने अत्याचार किए है, वे लोग आज जो है अपने लोगों की सहायता के लिए मौन धारण करके बैठे हुए है। इसीलिए हम सबको ये समझना होगा कि इस विषय में आज लॉकडाउन क्यों ना हो, हमें जन जागृति करनी होगी। कल ही 28 तारीख की आद्य शंकराचार्य जी की जयंती थी, तो सनातन संस्था, हिंदू जन जागृति समिति, विश्व हिंदू परिषद, बहुत सारे हिंदू संगठनों ने दीपक जलाकर श्रद्धांजलि समर्पित की उन संतों के लिए जिनकी हत्या हुई थी। लेकिन वास्तव में ये जागृति का बेसिक प्राथमिक लक्षण है, हमें इसके आगे उठकर भी एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करना होगा और हिंदू राष्ट्र की मांग करनी होगी, क्योंकि संतों की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक जो है भारत में दुष्ट प्रवृत्तियां पनपती रहेगी। संत समाज हमारे राष्ट्र का आध्यात्मिक शक्ति के रूप में माना जाता है, उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर चारुदत्त जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है कि उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। चेतन जी, मेरा आपसे ही यही सवाल है, इसी से संबंधित एक सवाल ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो चाहे हमारे देश के कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई भी हो, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आ रहा है, वो सारे के सारे मौन है। जिस तरह महाभारत में धर्म की बात करने वाले भीष्म पितामह थे, लेकिन अधर्म को देखकर भी वो चुप रहे, यानी कि उन्होंने मौन स्वीकृति दी। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे बड़े नेता हैं, जो अपने आप को देश चलाने वाला कहते हैं, वो कहीं ना कहीं भीष्म पितामह की भूमिका निभा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सत्य कही, क्योंकि ये जो है जो संतों की हत्या हुई है, इसके विषय में एक पत्रकार ने जब चैनल पे अपनी भूमिका रखी, तो उस समय जो है उसकी जांच शुरू हो गई, और ये एक प्रकार का गलत प्रकार का परंपरा यहाँ शुरू हो रही है कि संतों की हत्या हो रही है और सब में चुप बैठना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता, कि वो कितनी भी बड़ी देशभक्त पार्टी हो, उसके पार्टी का प्रमुख नेता नहीं बोल रहा है, विपक्ष का कोई पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है, जिस राज्य में घटना हो रही है उस राज्य की घटना के यहाँ के सीएम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब उनका जो मौन है, ये बहुत कुछ कहने वाला है। इस षड्यंत्र को कहीं ना कहीं तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है, और ये गंभीर घड़ी है। जिस प्रकार से द्रौपदी की
चीरहरण हो रहा था उस समय पूरी राज्यसभा उसके मौन देकर अत्याचारियों का संरक्षण कर रहे थे, उसी प्रकार की ये घड़ी है। और ऐसे समय पे हमें भगवान श्री कृष्ण की जगह और कोई भी बचा नहीं सकता है, ऐसी यदि स्थिति होगी, ये पॉलिटिकल अनार्की है, ये हमें समझना होगा। जी निश्चित रूप से हमें इस राजनीति से ऊपर उठकर हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हमें सोचना होगा, आपको सोचना होगा। डॉक्टर चारुदत्त जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मेरा अभी चेतन जी से यही सवाल था कि जहां हम हमारे धर्म की बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारी परंपराओं की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो संत समाज के लोग हैं, जो साधु समाज के लोग हैं, उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हमको क्या आवश्यकता है कि हम किस तरह अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म का पालन करें? सबसे पहले मैं धर्म की ये जो व्याख्या, कल ही आद्य शंकराचार्य की जयंती हुई, उन्होंने जो धर्म की व्याख्या बताई उसमें उन्होंने कहा कि जिस हेतु समाज व्यवस्था उत्तम रहे और जिस हेतु प्रत्येक प्राणी मात्र, यानी हर मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और ये पंच महाभूत है, इनका भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष हो, उनको उन्होंने धर्म कहा है। इतने वर्ष पाश्चात्य जगत भी भ्रमित था, 2 वर्ष पूर्व ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने पहली बार धर्म और रिलीजन को सेपरेट किया और धर्म को यूनिवर्सल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन ये कहा और उसमें केवल उन्होंने सनातन धर्म का नाम दिया। तो हमारे दृष्टि से धर्म ये उपासना पद्धति नहीं है, तो मनुष्य के आचार विचार से जो निगड़ित है वो धर्म है और जो उसके विरोध में है वो अधर्म है। तो अभी जो साधुओं की हत्या हुई तो धर्म और ईश्वर के दृष्टि से अत्यंत जघन्य अपराध है और अवतारों का प्रयोजन होता है, वो जब साधु सन्यासी पर जब अन्याय होता है तब अवतार आता है, अधर्म के निर्धारण हेतु आता है। और जिस तरह से कौरवों की सभा में विदुर अकेले खड़े होकर द्रौपदी के वस्त्रारण के समय धर्म का पक्ष लिया था कि देखो मैं इसका विरोध तो जरूर करूंगा, मैं उसको रोक पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, और इसलिए कृष्ण ने कहा था कि मैं केवल विदुर के ही घर में जाऊंगा, तो मौन रहना एक तरह से वो अधर्म का समर्थन होता है। और जो धर्म को जानना चाहता है उन्होंने ये जानने की आवश्यकता है कि धर्म जानना है तो धर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, और धर्म के पक्ष में खड़े नहीं होंगे तो हम अधर्म के पक्ष में खड़े हो चुके हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और आगामी जो समय है निश्चित रूप धर्म और अधर्म का ध्रुवीकरण है, जो धर्म के पक्ष में नहीं है वो अधर्म के पक्ष में जाएगा, तो इसलिए हमें बहुत सतर्कता से अभी जो भी समाज को, व्यवस्था को संकट बना है, जो समाज के नाश के लिए कार्य कर रहा है, जो समाज का अहित कर रहा है, जो समाज के आध्यात्मिक भौतिक उन्नति में बाधा बन रहा है, वो सब अधर्म है, ये समझकर उसका निषेध करना आवश्यक है और सबको एक संग कर उत्कर्ष की तरफ जाना, संकट के समय में बचाना, इस मार्ग पर जाने को धर्म कहते हैं। तो अभी ये जानकर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी सभी जनता की अपेक्षा है। और ये जो भीषण काल है वो धर्म और अधर्म का ही ध्रुवीकरण कर रहा है, ये हमें समझकर अभी धर्म के पक्ष में खड़े होने का समय आया है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जी निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि अगर हम अधर्म को होता देखते हैं और अपनी मौन स्वीकृति देते हैं तो ये भी सबसे बड़ा अधर्म है, ये भी एक तरह का पाप है। तो आपको, हमको अपनी आवाज को खोलना होगा, अधर्म के सामने अपनी बात रखनी होगी, जो सच्चाई है, जो धर्म की बात है उसको रखना होगा। डॉक्टर साहब आपका और चेतन जी, आप, हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस समय हमारे जो सिटी लाइव न्यूज के दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, चेतन जी, और उसके बाद मैं काका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। संकट की जो एक प्रकार की महामारी है उसमें हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होने की आवश्यकता है। तो ये दोनों के लिए मैं बताना चाहूँ कि आज प्रतिदिन आप जो है योग साधना, जो प्राणायाम है, योगासन है, उसको करिए।
और मनोबल से ऊपर आत्मिक बल बड़ा होता है और आत्मिक बल केवल भगवत साधना से ही यानी ईश्वर के स्मरण से ही बढ़ता है। तो आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ साधना करिए क्योंकि उस साधना के द्वारा आपका मनोबल आत्मबल बढ़ेगा। तो शारीरिक बल और मानसिक बल ये बढ़ाने के दृष्टिकोण से आप प्रयास करें, यही मैं अपने दर्शकों को आह्वान करना चाहूंगा। बिल्कुल, अपना मानसिक और शारीरिक बल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो भी पावरफुल होगा, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो भी पावरफुल होगी। काका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। और इस आपातकाल में हम स्वयं को कैसे सस्टेन करें, इसके दृष्टि से कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जी, आपातकाल में आवश्यक है उतना ही खर्च करें। आप जो दिनचर्या है वो प्रतिदिन व्यायाम करें, उपवास करें, आवश्यक है उतना ही भोजन ले, क्योंकि भूख नहीं लगी और हम भोजन करते हैं तो उससे जो हमें व्याधियां होती है वो ही 50% हमारे जीवन में आती है। आपातकाल में हमको धान्य का पुरोठा कम हो सकता है, तो हमारे घर में जैसे पुरानी परंपरा में साल भर का अनाज भरते थे, गेहूं है, मोटा अनाज है, दाल, चावल, नमक, मिर्च, हमारे आचार मुरब्बे की साल भर टिकने वाली जो परंपराएं थी, तो जब थोड़ा सा समय ठीक हो जाएगा तो हमारे यहाँ धान्य संग्रह की प्रक्रिया कीजिए, जितना संभव है धान्य संग्रह करके रखिए। धन जो है, धन को आवश्यक ही खर्च कीजिए, अनावश्यक खर्च ना कीजिए। धन का जो आप विनियोग करेंगे तो राष्ट्रीयकृत बैंक में ही कीजिए, और अलग अलग बैंकों में इसलिए कीजिए कि उसकी जो बीमा है, पहले 1 लाख थी, अभी 5 लाख तक हुआ है, तो वो नियम दोबारा जानकर अपनी धनराशि अलग अलग सदस्य के नाम पर अगर हम रखते हैं तो वो राशि सुरक्षित रहेगी। और इस दृष्टि से आवश्यक है तो आप सोना या चांदी इस संदर्भ में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। आने वाले दिनों में बिजली की आपूर्ति संकट हो सकता है तो सोलर कुकर है या सोलर सिस्टम घर में लगाना। युद्ध काल में पानी की आपूर्ति की भी संकट आ सकता है तो आसपास कुआं, सरकारी परमिशन वगैरह लेके कुआं खोदना, या 8-10 परिवार मिलकर आप कुआं बना सकते हैं ताकि आपत्ति में आप उसका जल उपयोग करें। बड़े बड़े शहर खाली होते हैं, युद्ध संकट आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके कुछ घर है उसको व्यवस्थित करके वहां रहने की एक पैरेलल सुविधा निर्माण की है, या जिनकी संभव है वो लेके रखे ताकि छोटी सी खेती भी हो घर में हो तो छोटा छोटा सब्जी वगैरह होगा, चावल वगैरह लगा के रहना चाहिए, क्योंकि संतों ने जो बताया है नॉस्ट्राडामस के मुताबिक जो तीसरा युद्ध होगा महायुद्ध, उसकी भीषणता इतनी बताई है कि 2 युद्ध पहले जो हुए वो बच्चों के खेल के समान लगेगा, ऐसा कहा है। आण्विक शक्ति का इतना उपयोग होगा कि आप प्रतिदिन उसके लिए अग्निहोत्र कीजिए। अग्निहोत्र से जो आपके शरीर और वास्तु के बाजू में जो कवच बनता है वो आपकी सुरक्षा करेगा। और निश्चित तौर पर जी हमारे गुरुदेव परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले ने जी भी कहा है कि ये 19 से 22 तक का जो है वो पूरे विश्व में नैसर्गिक आपदा आएगी। गृह युद्ध होगा, दंगा फसाद होगा, बाह्य युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो उसमें मनोबल और आत्मबल टिकाना है। हमारे भूख से ना हो इसलिए उसकी हमें पूर्व तैयारी करके रखना है। और ये केवल संतों ने तो हमें संकेत 20 वर्षों पूर्व ही दिया है, अभी तो जो डिफेंस एनालिसिस है या अर्थतज्ञ है वो भी यही बता रहे हैं कि भूखमरी से आने वाले वर्ष भर में 2.5 करोड़ लोग मरेंगे, ऐसे जागतिक खाद्य संगठन ने अभी प्रेडिक्शन दिया है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को ट्रंप ने चीन को बताया है, चेतावनी दिया है कि अगर आपका हाथ अगर कोरोना में दिखता है तो हम आपको नियंत्रण करेंगे और युद्ध का संकेत है। जर्मनी ने $1 बिलियन का भी भेज दिया है चाइना को, और वो कह रहे कि आप हमें ये पैसा नहीं देंगे तो आगे के परिणाम के लिए तैयार रहिए। तो विश्व भविष्य के भयानक संकट की तरफ बढ़ रहा है,
आपत्ति मानव निर्मित बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका कहना सही है, क्योंकि समय की पाबंदी भी है और हमको ये लग रहा है कि ओवरऑल हमारी जो आज चर्चा हुई है इसका जो मुख्य रूप से चर्चा का परिणाम है वो परिणाम यही है कि हमको हमारी सनातन संस्कृति हमारी परंपराओं की ओर वापस आना पड़ेगा। विश्व के जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयास करना है, अपना जीवन मनोबल आत्मबल बनाने के लिए समाज को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित तौर पर हमको हमारी परंपराओं का निर्वहन करना पड़ेगा, हमको हमारी भारतीय संस्कृति में हम एक बार फिर आना पड़ेगा। जो सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त लोग हैं आपका और चेतन राजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सिटी लाइफ न्यूज से जुड़े उसके लिए अच्छा समाज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी रक्षा हो और वो विश्व को दीप स्तंभ बन के आगामी समय में दिखा दे, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आपके City Live, a platform to sharing your thoughts.